अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? यार अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गए अभी तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, तो अभी मैं व्लॉग जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरी थोड़ी सी ना तबीयत जो है आजकल नहीं, कल रात से जो है वो तबीयत थोड़ी सी खराब है। रात पता नहीं अचानक क्या हुआ है, तो मेरे पेट में ना अचानक ही एसिडिटी जैसे होती है ना, वैसे हो गई है। तो अभी भी रात में बड़ी मुश्किल से सोया हूँ, तो अभी भी जो मेरे पेट में ना गड़बड़ चल रही है, और जो गैस का इशू ना वो बहुत ज्यादा है, अभी भी ना मेरे पेट में दर्द है। तो खैर करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज के व्लॉग में ऐसा है कुछ कि आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा ना, जहाँ पे मैंने बताया था कि मेरी बाइक को आग लगने वाली थी, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा पहले आके वो देखें, फिर आपको आज वाले व्लॉग की जो है समझ आएगी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे बाइक को जो है आग लगने वाली थी, तो अल्लाह की कर्म और फजल से वो बच गया था। तो उसके बाद जो अपडेट है वो मैंने आपको नहीं दी थी, तो आज के व्लॉग में वो अपडेट दे दूंगा कि क्या बाइक ठीक है, मेरी बाइक की बैटरी ठीक है कि नहीं ठीक है। तो चलिए जी अभी बताते हैं आपको। अभी बात कुछ इस तरह की, बैटरी जो थी ना मेरी बाइक की वो डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैंने चार्ज करवा लिया, तो वो बाइक की जो बैटरी है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो है ना बाइक ने एक नया मसला जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो पहले ये मसला नहीं था, जब से बैटरी खराब हुई है उसके अगले दिन बाइक थी, तो उससे अगले दिन जो दोबारा मैंने बाइक स्टार्ट की ना, तब बाइक में ये मसला आ रहा है। तो वो मसला क्या है कि बाइक जो है ना जब वो स्टार्ट होती है तो जल्दी स्टार्ट नहीं होती, धक्के वगैरह लेती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर एक मरतबा जब गर्म हो जाती है तो बाद में फिर जिस तरह मर्जी स्टार्ट करें तो स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला इशू जो था मैंने मैकेनिक को भी दिखाया, तो मैकेनिक साहब ने इसका प्लग भी चेंज कर दिया और जो कुछ करने वाला था वो भी कर दिया, लेकिन जो मसला है तो वो अभी भी वही है। तो अभी मैं बता दिखाता हूँ आपको मसला भी क्या है, तो उसका हल देखेंगे। वो मसला जो है आज हम खुद ढूंढेंगे कि कहाँ पे वो मसला है। वैसे मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी थी इस मसले के बारे में, तो एक दो जो चीज थी प्लग का मसला था, प्लग हमने चेंज कर दिया। एक मसला कार्बोरेटर का था, तो वो थोड़ी सी ट्यूनिंग किया, अगर आज हमें मसला ना मिला तो दोबारा मैकेनिक के पास जाएंगे और दोबारा उसे जो है कार्बोरेटर चेक करवाएंगे। तो ये मैंने क्लच जो है ना इसका परमानेंटली इस तरह बांध दिया, ताकि वैसे बाइक मेरी स्टार्ट नहीं होती, क्लच के साथ स्टार्ट होती है, तो इसलिए मैंने मोबाइल पकड़ना है, तो क्लच में पकड़ नहीं सकता। तो अभी आपको मसला समझाते हैं क्या है। स्विच मैंने ऑन कर दिया, ये देखें, तो ये मैंने ऑन कर दिया, तो अभी आपको मसला समझ आ जाएगा। ज़्यादा मैं इसे सलम दूंगा नहीं, क्योंकि ये बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाती है। तो ये मसला है कि बाइक जो मेरी ना स्टार्ट नहीं हो रही, तो अभी इसके जो प्लग का ना वो खोलते हैं, कवर जो होता है प्लग खोलते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ प्लग तक जो है करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो अभी वो देखते हैं। तो ये जी यहाँ पे इसका प्लग लगा हुआ है, तो इसका जो प्लग उतारता हूँ, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं इसका जो प्लग है ना वो उतारता हूँ, ये ले, ये जी उतर चुका है। तो अभी इस कवर को उतारेंगे और देखेंगे कि ये वायर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कवर मैंने उतार दिया, तो अभी इसे देखते हैं यहाँ पे किसी मेटल पे रख के कि करंट जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इसे रख के देखते हैं करंट आता है कि नहीं आता। अगर करंट आ रहा होगा तो इसका मतलब है फिर ये चीज़ ठीक है, अगर ये यहाँ पर करंट ना आया तो इसका मतलब है कि इसकी इग्निशन कॉइल जो है ना वो ख़राब हो गई आई थिंक। वैसे मैकेनिक से पूछ लेंगे कि यही मसला है कि नहीं, तो अभी इसे मैं सेट कर दूँ यहाँ पर। अभी आपको नज़र आ रही है कि मैंने वायर जो है यहाँ पे फंसा दी है, तो अभी देखते हैं कि वायर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अभी चेक कर लेते हैं। करंट आई थिंक आ रहा है, तो वैसे नजर नहीं आ रहा था, करंट जो है मेरे ख्याल यहाँ पे वायर पे आ रहा है, तो अभी एक मरतबा ना दोबारा चेक करते हैं। तो ये करंट आपको नजर आया ना, तो करंट आ रहा है, ये देखें करंट इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज बिल्कुल ठीक है, तो इसका इशू नहीं है। अभी जो इशू इसमें लग रहा था मुझे कि इसके कॉइल इग्निशन कॉइल का इशू होगा, तो वो भी नहीं है। तो प्लग भी हमारा चेंज हो चुका है, इग्निशन कॉइल भी मैंने चेक कर लिया है, वो भी ठीक है। कार्बोरेटर की ट्यूनिंग भी तकरीबन कर ली थी, अगर नहीं अभी ठीक हुई तो दोबारा जाके मैं चेक करवा लूंगा उसे। तो एक जो रह गया मेरा मसला चेक करने वाला, वो ये है कि इसका पेट्रोल जो है मेरे ख्याल में वो ख़राब है, तो इसका पेट्रोल जो है वो नया डलवाएंगे, तो फिर समझ आएगी। अगर दोबारा मसला हुआ तो फिर या तो इसका गलत ग्रेड का जो है ना इंजन ऑयल है वो डल गया, या फिर कोई और इशू होगा, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। तो अभी ये बाइक ना मुझे इस तरह तंग करिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तंग करिए ये बाइक यार। दवाई देख लेते हैं, ये तो है इंटॉक्स है, फ्लैजल की खानी है मैंने, पहुँचता देखते हैं कहाँ पर है यार फ्लैजल, मुझे ये भी नहीं पता किस कलर की होती है ये, तो अभी ढूंढते हैं कौन सी होगी इसमें फ्लैजल। बहुत ज़्यादा पेड़ में ना यार तक तोड़ गई थी। फ्लैजल किस रंग की होंगी यार, किस रंग का पैकेट होंगे वह फ्लैजल?
अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी एक मसला हो गया, तो सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया और सुबह से मैं ना जो गोलियां खाई जा रहा हूँ खाली पेट ही, तो खाली पेट गोलियां खाई जा रहा हूँ, तो अभी खा लेते हैं कुछ और बिस्किट वगैरह। मैं सोच रहा था कि बाइक को बाहर निकालता हूँ तो दकाल का आके स्टार्ट करते हैं और इसका जो पेट्रोल है ना तो वो नया डलवाते हैं, शायद पेट्रोल का इशू हो तो उसकी वजह से करियो, तो लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, अभी बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा है, तो अभी तो हिम्मत नहीं है क्योंकि धक्का भी ये अच्छा खासा लेती है, थोड़ा सा नहीं लेती। अभी शाम को देखेंगे, तो फिर शाम को देखेंगे, तो मैं बिस्किट खा रहा हूँ। बाइक स्टार्ट करते करते ना बाइक का नुकसान कर दिया और ये भी टूट चुका है यहाँ से, और यहाँ भी निशानात लग गए, तो पता नहीं वीडियो में आया कि नहीं आया बाइक गिरते हुए, तो बाइक हमारी गिर गई है स्टार्ट करते वक्त, बाइक गिर गई उस तक आके स्टार्ट करने उतनी सहन उठेगी। फाइनली जी काफी देर के बाद जो हमारा बाइक जो है वो स्टार्ट हो गया, ये हमारे फैसल भाई हैं इनकी मदद के साथ और एक भाई वो है चले गए हैं, तो ये इस बच्चे के सपोर्ट के साथ हमारा जो बाइक है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा भी आप गुड़िया दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया और नुकसान भी बाइक का मैंने कर लिया है, तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, काफ़ी हद तक बचत हो चुकी है, लेकिन गिरी पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो बड़ी गंदी गिरी है। तो एक इसका ये मिरर जो है ये टूट चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा हिलता हुआ, और एक ये चीज़ है इसमें थोड़ा सा फॉल्ट आया, पता नहीं क्या मसला, और ये स्क्रैचेज वगैरह आ गए। तो कह रहा इतना तो होता रहता है, इतने बाइक रखी हुई है तो इतना तो काम होता रहता है, अगर कोई नहीं। खैर तो अभी निकलते हैं, अभी बाइक का जो है पेट्रोल है वो डलवाते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या मसला है, को नहीं तो फिर दोबारा मैकेनिक वाला चेक करवाएंगे। वालो जो था मेरा लेने वाला तो वो मैंने ले लिया, तो बाइक की जो साउंड है ना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो प्यारी भी लग रही है वैसे, तो नज़र पता नहीं मेरी लगी है किसकी लगी है, चले खैर है तो अभी इंजॉय करते हैं बाइक को। हाँ जी हजार का कर दो, अभी बाइक स्टार्ट हो जाए। अभी बाइक ने फर्स्ट हफ्ते ही स्टार्ट हो गई है, तो ये मसला बाइक के साथ या तो स्टार्ट होती नहीं है, जब ये गर्म हो जाती है तो ये झटका भी नहीं लेती और स्टार्ट हो जाती है। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with you? Hey guys, welcome back to my room. Abhi kuch is tarah ke bio jo hai na, dakal ka hamne start kar li thi. To baad mein jab petrol pump pe start
स्टार्ट की है तो तब आपने देख लिया कि आसानी से स्टार्ट होगी थी, तो लेकिन एक मसला बाइक में अभी भी है कि बाइक जो है ना वो लो आरपीएम पे मिसिंग कर रही है काफी ज्यादा, तो ये मसला अभी चेक करवाना ही पड़ेगा। यहाँ तक लड़के ने मुझे बताया ना, उसने बताया वो कह रहा है या तो इसके कार्बोरेटर की सेटिंग खराब है या इसके जो एयर फिल्टर है वो चोक हुआ है, जिसकी वजह से बाइक जो है फर्स्ट सर्व लेने में जब गोल्ड स्टार्ट होती है तब उसे मुश्किल पेश आती है। तो मैंने कहा कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला कल आपको मैं चेक करवा दूंगा बाइक। मैंने वैसे सुबह से खाना भी नहीं खाया, तो अभी जाके मैं खाना खा लेता हूँ और इस वीडियो को कर देते हैं ये भी खत्म। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा से ना जो डेली व्लॉग्स हैं वो स्टार्ट करूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, उन व्लॉग्स को देखिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।